गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार। जनसंचार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेटिंग विथ मेनी पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। कई लोग जब एक ही समय में संवाद करते हैं तो वह मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जब कई लोग एक ही साथ जुड़ते हैं, कई लोग एक ही साथ बातचीत करते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविज़न इज टेलिंग अबाउट टुडेज वेदर। समाचार वाचक जो समाचार बताते हैं टीवी पर आज के मौसम के बारे में बता रहे हैं। तो जो समाचार वाचक हैं वो टीवी पर आज के मौसम के बारे में बता रहे हैं। देयर इज़ एन एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो अबाउट अ न्यू चॉकलेट इन द मार्केट। रेडियो पर बाज़ार में नए चॉकलेट के बारे में विज्ञापन दिया जा रहा है, यानी कि रेडियो पर एक चॉकलेट का विज्ञापन दिया जा रहा है जो कि मार्केट में नया है। रवि इज़ रीडिंग अबाउट गुड हैबिट्स ऑन द कंप्यूटर। रवि कंप्यूटर पर अच्छी आदतों के बारे में पढ़ रहा है। तो रवि जो है वो कंप्यूटर पर अच्छी आदतों के बारे में पढ़ रहा है। इसिका इज़ वॉचिंग मूवी विथ हर पेरेंट्स। इसिका अपने मम्मी पापा के साथ मूवी देख रही है। टुडेज़ न्यूज़पेपर हैज़ अ राइट अप ऑन द रिपब्लिक डे परेड। आज के समाचार पत्र में गणतंत्र दिवस परेड पर लिखा गया है। तो जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें रिपब्लिक डे का जो परेड होता है, रिपब्लिक डे में जो परेड होता है उसके बारे में लिखा गया है। दिस बुक ऑन हेल्थ इज रीड बाय मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह स्वास्थ्य पर पुस्तक है जिसे दुनिया के बहुत से लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। तो एक पुस्तक है जो स्वास्थ्य के बारे में है, इसे पूरी दुनिया के बहुत से लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सभी मास कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में यही रिवाइज करना है जो आज हमने पढ़ाया है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।